नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं अस्कित त्रिपाठी आज आपके साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा। और ये जो आर्टिकल्स हैं वो लीडिंग जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, सीएससी और उसके अलावा जो स्टेट पीसीएस के आपके एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज जो है फॉलो कर लें। आज जो हम टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, सबसे पहले वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा है यहां पर। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे, चार पुत्र थे, तो उनका बलिदान जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है हमारे लिए, है ना। तो उसी संदर्भ में है कि उनके जो बलिदान दिवस को इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इसके बारे में चर्चा है। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, एंशियंट में रख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो ये आपका जीएस पेपर वन का पार्ट है, देखेंगे हम लोग। इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है ना। कमिटीज वगैरह को वहां पर दिया गया था देखने के लिए, रूल्स को नोटिफाई करना है, तो वो फिर से वहां पर जो डेट है एक्सटेंड हो गई है, सेकेंड पेपर का पार्ट है। इसके लिए पूरे देश में जो है एनसीआर रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत सारा जो है वहां पर प्रोटेस्ट भी हो रहा था, लगातार न्यूज में है आपका ये। संसद ने इसको जो है पारित भी किया था 11 दिसंबर 2019 को, आपको याद होगा, तो इसको देखेंगे हम लोग। थर्ड जो है एआईआईबी के बारे में बात है यहां पर, ठीक है ना। तो जैसे आपका रीजनल बैंक होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो उसके एक ये क्या किस रूप में देखा जाता है इसको, तो उसके एक विकल्प के रूप में, है ना। तो उस तरीके की है, एडीबी भी है, एआईआईबी भी है, तो ये सब जो है बैंक होते हैं रीजनल लेवल पे, है ना, जो आपके वैश्विक स्तर पे बनाए जाते हैं। तो ये आपका आईआर का पार्ट है, ठीक है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, उसके बाद उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में देखा जाता है, नेशनल मूवमेंट में। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए इसको 2003 से जो है हम मना रहे हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आप पेपर टू में रख सकते हैं, पेपर वन का भी पार्ट है ना ये। इसके बाद यहाँ पर ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है ना। तो सूर्य नमस्कार के बारे में आप लोगों को पता होगा, हेल्थ से रिलेटेड है, सेकंड पेपर में रख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो सबसे पहले जो वीर जो आपका बाल दिवस वाला हमारा टॉपिक है उसमें क्या है कि अभी केंद्रीय जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने घोषणा की है कि दिसंबर 26 की जो डेट है उसको हम वीर बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में जो है मनाएंगे, ठीक है ना। वो ट्रिब्यूट होगा एक तरीके से किनको, जो सिखों के जो 10वें गुरु हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चार पुत्रों के लिए, ठीक है ना, जिनको जो है मुगलों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर की पॉइंट्स बताया जा रहा है कि ये एक तरीके से ऐसा क्यों किया जा रहा होगा, तो भैया ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है ना, कि ये साहिबजादों का ये जो चार पुत्र है उनका साहस और न्याय, है ना, मतलब साहस को जो है वहां पर क्या कि भैया न्याय के लिए उन्होंने आत्म जो है बलिदान किया, तो उसको ट्रिब्यूट करने के लिए, उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये उचित श्रद्धांजलि का एक तरीका माना जा रहा है। उसके बाद यहाँ मोदी जी का अनाउंसमेंट भी था कि ये जो अनाउंसमेंट आया वो किस दिन आया, जिस दिन जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे सिख गुरु की जयंती के दिन, ठीक है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस उसी दिन सेम डे में मनाया जाएगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और जो साहिबजादा आपके फतेह सिंह जी थे उनको जो है एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था और वो शहादत को प्राप्त हुए थे, ठीक, नॉर्मल सी चीज है। और यहां पर बताया जा रहा था उनके सेंटेंस पे बोला गया कि देखिए धर्म के महान सिद्धांतों का पालन करते हुए उस मार्ग से वो डेविएट नहीं हुए, उसके बजाय उन्होंने अपना आत्म बलिदान करने को उचित समझा बहुत ही कम उम्र में, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा
साहसी कदम था उनका। अब उनके चार जो साहबजादा हैं उनके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं ये चार, ठीक है ना। तो इसमें सबसे जो एल्डर एल्डेस्ट हैं है ना, यंगेस्ट हैं, तो ये जो है बताया जा रहा है एल्डेस्ट आपके बाबा अजीत सिंह जी हैं, यंगेस्ट आपके बाबा फतेह सिंह जी हैं, उसके बाद जुझार सिंह जी हैं और जोरावर सिंह जी हैं। देख लीजिएगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन नाम पता होना चाहिए हमको। सिखिज्म हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स में भी, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको जो है बाबा फतेह सिंह जी को और बाबा जोरावर सिंह जी को जो है जिंदा जो है दीवार में चुनवाया गया था ईंटों के बीच में औरंगजेब के कहने पर, ठीक है ना। और इनके जो शहादत के समय बताया जा रहा है, जो इनकी एज थी वो क्रमशः जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की 9 और 6 थी, ठीक है। इन्होंने सैक्रिफाइस किया, इसको ब्रेवेस्ट सैक्रिफाइस माना जाता है धर्म के लिए, है ना। किसी भी मतलब इतने कम उम्र में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप का बलिदान करने के लिए कितना साहस, कितना मतलब दृढ़ संकल्प चाहिए उन चीजों के लिए, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है, आप लोग इसको देख जाइएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, सारे गुरुओं के बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स है, ये काफी न्यूज में था, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट किया गया था 1955 का जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसमें, ठीक है। तो एक बार फिर क्या हुआ, अब ये अमेंडमेंट के कारण एजिटेशन जो है, प्रोटेस्ट जो है पूरे देश में आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बार फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डेडलाइन मिस कर दी है नोटिफाई करने के लिए, रूल्स जो एक्सटेंडेड डेडलाइन थी वो भी जो है अब खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो इसके कारण ये न्यूज़ में है। तो जनवरी 9 जो था वो लास्ट डे था और वो आपका एक्सटेंड हो गया, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाता है कि भैया फ्रेम करना है रूल, है ना, आप इसको रिव्यू करो, देखो, ठीक है। तो उस हिसाब से यहां पर क्या हुआ कि जो मांगी गई विस्तार का अंतिम दिन था, है ना, जो पार्लियामेंट्री कमेटी से नियम बनाने के लिए, तो वो भी जो है आपका एक्सटेंड हो गया है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर कमेटीज के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, वही बताया जा रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो नियमों के बिना ये जो रूल्स है उनके बिना तो इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, किसको, एक्ट को। तो अब जो वो टाइम जो है आपका एक्सटेंड हो गया, तो ये भी आपका एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपका मैनुअल है पार्लियामेंट्री वर्क का, ठीक है ना, तो उसमें मान लीजिए कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है, अगर वो वहां पर एबल नहीं है किस चीज में, रूल्स को फ्रेम करने में, है ना, किस पीरियड की बात की गई, 6 मंथ के अंतर्गत, ठीक है ना, जब से लेजिस्लेशन कोई भी विधि को पास किया गया, तो उसके बाद पास करने की तिथि से 6 महीने का शब्द जो है समय सीमा होता है, जिसमें उनको क्या करना होता है, उसको रूल्स को क्या होगा मैनुअल के हिसाब से, उनको वहां पर बढ़ाना, मतलब उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। और अगर वो इस चीज में सक्षम नहीं है तो उन्हें कारण बताना पड़ेगा, और कारण बताते हुए फिर समिति से बोलेंगे कि भैया हमको थोड़ा और टाइम चाहिए। तो वो जो टाइम की यहां पर जो समय सीमा का निर्धारण किया गया है, वो बोला गया कि भैया 3 महीने से ज्यादा वो अवधि नहीं हो सकती, फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है ना। यहां पर हमको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, सिटीजनशिप की क्या प्रावधान है हमारे यहां पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से जो आपका 11 के बीच में है वो हमको देखना है, ठीक है ना। और क्या है 1955 का एक्ट, 2019 में क्या चेंज किया गया वो तो अभी देख लेंगे हम लोग, ये हमारे लिए आवश्यक है। अब यहां पर ये जो एक्ट लाया गया 2019 का, वो पार्लियामेंट ने पास किया था 11 दिसंबर 2019 को, इसके अंतर्गत 1955 का जो एक्ट है उसमें क्या किया हमने, अमेंडमेंट किया, और क्या बोला कि जो भी रिलीजियस ग्रुप के, जो माइनॉरिटीज ग्रुप के हैं जिनका शोषण हुआ है, ठीक है ना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, उसके अंतर्गत फिर वो भारत में आए, है ना, भारत आए, जो कहा किस टाइम पे, तो दिसंबर 2014, इससे पहले आने वाले जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन, इस समुदाय से, इस माइनॉरिटी से कोई भी जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं भारत में 2014 दिसंबर के पहले, है ना, 2014 जो दिसंबर, उससे पहले आए हो, तो उनको यहां पर मार्ग प्रदान किया गया था कि भैया वो हमारे यहाँ के सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम्स की बात नहीं की गई थी, और उसी का जो है यहां पर क्या देखा जा रहा था, प्रोटेस्ट देखा जा रहा था, ठीक। अब ये 1955 का एक्ट क्यों बनाया गया होगा भैया, तो इसीलिए बनाया गया कि किस तरीके से सिटीजनशिप को हम अक्वायर कर सकते हैं, ठीक। हमारे यहाँ जो मतलब आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ सिटीजनशिप को प्राप्त किया जा सकता है, तो आप देखेंगे बाय बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन करा के भी, नेचुरलाइजेशन भी है, और अगर भारत ने कोई टेरिटरी जो है इनकॉर्पोरेट की है, तो उसके अंतर्गत जो भी रहवासी होंगे वो स्वयं ही उसके नागरिक बन जाएंगे, किसके, भारत के, ठीक है ना। तो यहां पर जो है एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है मुस्लिम्स को, और
और ये हमारे सरकार ने तर्क भी दिया है कि ये भैया मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है तो वहां पर इनका शोषण वगैरह नहीं होता है तो इनको क्यों दिया जाएगा, ऐसा तर्क हमारा है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो है रिलीजन को ग्राउंड बनाया है, है ना, सिटीजनशिप के अंतर्गत भारत ने, तो उससे जो है ग्लोबल क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा हमें। ठीक है, और ये जो है इसके खिलाफ पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा एनसीआर वगैरह रीजन में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर देखेंगे, इसमें केंद्र सरकार का तर्क मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो है मुस्लिम बहुल देश है और वहां पर जो है ये फेस नहीं करते किसी भी तरीके का जो धार्मिक उत्पीड़न है, है ना, उसकी संभावना नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने, इसलिए इनको जो है नागरिकता प्रदान नहीं की गई। अब इसके बाद AIIB की बात है यहां पर, तो एशियन क्या है, आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक, तो अब ये न्यूज में इसलिए है कि जो आरबीआई के हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं उर्जित पटेल, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो है इनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपको पता होगा, तो इनको जो है अभी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक तो ये फैक्चुअल जानकारी हो गई, ठीक, AIIB के बारे में थोड़ी हमको जानकारी होनी भी चाहिए। तो अभी ये बता रहे हैं सक्सीड करेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट डीजे पांडियन थे उनको, है ना, तो वो थे अभी चार्ज में जो सोवरेन और नॉन सोवरेन लेंडिंग जो होती है आपकी AIIB में, किस किस क्षेत्र में, साउथ एशिया, पैसिफिक आइलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में, तो उनको जो है ये क्या करेंगे, वो उस पोस्ट में थे उनको सक्सीड करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो है फाइव वाइस प्रेसिडेंट्स में से एक ये होंगे, इनका टेन्योर 3 साल का होगा। ठीक है, 3 साल का, ठीक है ना, पांडियन जी जो थे वो फॉर्मर गुजरात चीफ सेक्रेटरी थे, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये कहानी है आपकी। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आपके 2016 से वहां पर अपने पद में थे जो पांडियन है, है ना, और इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है उसी वर्ष से कि जब बैंक में जो आपका स्टेक्स है, तो चाइना का सबसे ज्यादा, उसके बाद भारत का है, ये आप लोगों को पता होगा और पता भी होना चाहिए क्योंकि वोटिंग वगैरह कर भाई वहां एक अलग सिस्टम है, बताइए जरा इसमें वोटिंग वगैरह कैसे की जाती है, शेयर के हिसाब से या कोई और तरीका है, ये बताइएगा आप लोग, है ना। और यहां पर जो उर्जित पटेल जी हैं अभी वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी के जो है आपके वो चेयरपर्सन है। ठीक है, अब यहां पर AIIB के बारे में बताया जा रहा है कि आपका कैसा बैंक है, तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इंप्रूव करना है इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स को, कहां, एशिया में, इसका हेडक्वार्टर कहां है, बीजिंग। ये चाइना का ही इनिशिएटिव था, ये आप लोगों को पता होगा, बाकी सब जो बैंक है उनके बारे में जानकारी इसको देख जाइएगा, कंपेरिजन करके बताया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर बताया गया कि वर्तमान में 104 मेंबर है इसके, 17 प्रोस्पेक्टिव मेंबर है। ठीक है ना, और अधिकृत जो पूंजी स्टॉक होता है, है ना, जो आपके मतलब जो इनके आरंभिक सदस्यता के संदर्भ में बता रहे हैं ये, कि जो टोटल 50% जो स्टेक रखने वाले 10 मेंबर स्टेट्स हैं उनका अनुसमर्थन प्राप्त होने के बाद इसको रेटिफाई किया गया 25 दिसंबर 2015 से, ये आपका बैंक जो है ये ऑपरेशनल हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो बैंक है ये प्रपोज किया था चाइना ने 2013 में और इसको लॉन्च किया गया एक सेरेमनी के दौरान बीजिंग में अक्टूबर 2014 में। ठीक है, इसको हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग भी मिली है बिगेस्ट रेटिंग एजेंसी से और इसको जो है पोटेंशियल राइवल बोला जा रहा वर्ल्ड बैंक और IMF का। दरअसल इसको बनाने का ध्येय ही चाइना का यही था, उनका विकल्प। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस है, तो अभी बधाई दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने विशेषकर भारतीय प्रवासियों को, तो बहुत बड़ा डायस्पोरा है हमारा और वो एक अलग शक्ति भी है हमारे लिए, है ना, एक स्ट्रेंथ है हमारी। ठीक है, तो हर साल जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, उसी संदर्भ में हम इसको मनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां पर जो भी इंडियन कम्युनिटी है, जो हमारा डायस्पोरा है, उनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, उनको हम यहां पर क्या करते हैं, उनके लिए समर्पित ये दिन है और हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है यहां पर। और ये जो इसका रूट है वो हमारे जो राष्ट्रपिता है उनके संदर्भ में इसको जो मनाया जाता है क्योंकि वो आपके ग्रेटेस्ट प्रवासी थे, है ना, वो साउथ अफ्रीका से आए थे 1915 में, इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस दिन को जो है मेमोरेबल बनाने के लिए 2003 से एवरी मतलब जो जनवरी है आपका 7 से 9, है ना, जनवरी, उसको जो है मनाया जाता है। ठीक है ना, अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये आपका इफेक्ट में आया 2003 में, बट जो इसको रिवाइज्ड किया गया, संशोधित किया गया 2015 में, कि अब जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा हर 2 सालों में। ठीक है ना, और थीम बेस्ड यहां पर कॉन्फ्रेंस को रखा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सीधी बात है जो हमारे प्रवासी है, जो हमारे डायस्पोरा है, उनके साथ हमको जो है संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए एक ये मंच है जहां पर हम उनको क्या करते हैं,
हम उनको यहां पर बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, जो वर्ल्ड में बहुत अच्छी अच्छी प्रोमिनेंट जगह में बैठे हुए हैं। आप लोगों को नाम भी पता होगा, है ना। तो गिरमिटिया वगैरह का संदर्भ है, आप लोगों को पता होगा अगर आपने हिस्ट्री में वो सुना होगा, है ना। तो वो जो जिनको ले गए थे वो आज बहुत अच्छी जगह पर है। और वहीं से आप सोचिए कि हमारे यहाँ रेमिटेंसेस वगैरह बहुत आता है, वो हमारी एक स्ट्रेंथ है। तो वो सब वहीं से क्या है, कनेक्टेड है। और हमको इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आत्मनिर्भर भारत में। तो जो है इस तरीके से भी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि भारत दुनिया में सबसे बड़े डायस्पोरा को जो है यहां पर प्रदर्शित करता है, उसके लिए हम प्राउड फील करते हैं। और लगभग जो है 31 मिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में जो है रेसाइड करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि 2022 को जो है वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवा प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित किया है। किसने, जो हमारे विदेश राज्य मंत्री है वी मुरलीधरन। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्शन दिया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मतलब जो GDP है वो $10 trillion की होगी, बनेगी। और इसमें सबसे जो की रोल होगा वो यूथ का होगा। फिर से वही बात आ गई, डेमोग्राफिक जो आपका डिविडेंड है उसके संदर्भ में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है ग्लोबल। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने ऑर्गेनाइज किया है इसको, है ना, 14 जनवरी से 2022 को, है ना, 14 जनवरी को। तो 75 लाख पीपल जो है ग्लोबली इसको जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए मकर संक्रांति का टाइम आ रहा है। अब समझिए, अभी अगर हम बात करें दिसंबर में, 22 दिसंबर, तो कहां था सूर्य, तो मकर रेखा में था। अब कर्क रेखा में आएंगे, तो कर्क रेखा में अब इक्विनॉक्स का टाइम आएगा 21-22 मार्च। फिर उसके बाद आपका देखेंगे कि 21 जून को है सूर्य कर्क रेखा में चमक रहा होगा, है ना। ये सब आप लोगों को ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो ये बताया जा रहा है कि ये एक तरीके का थैंक्स गिविंग है, है ना, मदर नेचर को, जो हमको स्वस्थ, है ना, स्वस्थ, स्वास्थ्य से संदर्भित है। स्वस्थ धन भी प्रदान करता है, है ना, और हैप्पीनेस भी देता है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और इस दिन जो है क्या किया जाएगा कि सूर्य की प्रत्येक किरण के प्रति जो है हम वहां पर कृतज्ञता जो है क्यों करते हैं, कृतज्ञता वहां पर हम प्रदर्शित, क्योंकि आप देखेंगे तो प्राइमरी सोर्स पूरे अर्थ में सबसे जो मेजर और प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, एनर्जी का, सन है, है ना। तो सभी जीवित प्राणियों को पोषण करते हैं वो, है ना, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, फ्लोरा फाना, है ना, बायोडाइवर्सिटी कहीं भी देखेंगे तो आप मेन सोर्स क्या है, सूर्य देव है। तो हम उनके प्रति कृतज्ञता यहां पर क्या करेंगे, शो करेंगे, तो सूर्य नमस्कार करके, ठीक है ना। और एक तरीके का योगा भी है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के, है ना, सूर्यदेव। और ये आपके मनुष्य के मन और शरीर को भी सक्रिय रहते हैं, फूड चेन से लेके सारी जो आपकी फंक्शनिंग है, है ना, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में सूर्य है। इसके बाद बताया जा रहा है ह्यूमन बॉडी को भी इससे विटामिन डी मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ पर जो है सबके लिए रिकमेंडेड है, बताया जा रहा है कि कई चिकित्सा शाखाओं में इसको व्यापक रूप से रिकमेंड भी किया गया है। इसके अलावा ये अंडरलाइन करेगा हमारी जो आपकी कल्चरल इंपॉर्टेंस है, जो आपके मकर संक्रांति से संदर्भित है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज है उसको भी क्या करेगा, उसके भी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर अंडरलाइन करेगा, रेखांकित करेगा। और इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 12 चरणों में किए गए 8 आसनों का ये आपका क्या होता है, एक समूह होता है, ये आप लोगों को पता होगा। और सुबह किया जाता है क्योंकि सूर्य देव की किरण तो हो वहां पर, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये डेवलप करता है सूर्य नमस्कार, मैंने बोला योगा है, तो इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, इंप्रूव होती है वाइटैलिटी, ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे कि जो इम्यूनिटी का ही सबसे बड़ा रोल है, है ना, पैंडेमिक की कंडीशन में, तो वैसे ही ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें जो है ये कैरी करेगा एक मैसेज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने के लिए, है ना। ये जो मास हमारा सूर्य नमस्कार है, ठीक है ना, ISA वगैरह भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा और फ्रांस के साथ मिलकर ये जो है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे भी इनिशिएटिव हमने लिए हैं, ठीक है ना। तो अभी बताया जा रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का संदेश भी, उसके बारे में भी अवेयरनेस जो है दुनिया में जो है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जागरूकता भी जो है फैलाना अनिवार्य है। उसके लिए सौर ई ऊर्जा जो आपकी एक ग्रीन एनर्जी है ना, अगर उसका भी हम यूज करते हैं तो कार्बन एमिशन को हम कम कर पाएंगे, जिससे सबसे ज्यादा खतरा है हमारी पृथ्वी को। नॉर्मल सी चीजें हैं। और इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो MCQ से रिलेटेड है। यहां पर पहला जो MCQ है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका ISC विक्रांत है उनसे रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं स्टेटमेंट, बताना कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ये जो आपका ISC 1 भारत में निर्मित आपका पहला जो है आपका विमान वाहक पोत है, ठीक है ना, फर्स्ट विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, बिल्ड किया गया है भारत के द्वारा ही, और बिल्ड किया गया है कोचीन शिपयार्ड कोची में, ठीक है ना, और केरला फॉर द जो इंडियन नेवी है।
तो बिल्कुल ठीक है कि इसको जो डिजाइन किया है हमारी इंडियन नेवी ने, है ना, जो इंडियन नेवी का जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन है उसने, और बिल्ड किया गया इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है ना, कोची है वो आपका, ठीक है, उसके द्वारा जो है कोचीन, जो है कोची, उसके द्वारा जो है कोचीन शिपयार्ड, उसके द्वारा निर्मित किया गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, ये आपका इंडिजीनियस है, हो गया ये आपका, बिल्कुल ठीक है। और बिगेस्ट वॉरशिप है ये आपका, इसको इंडिजीनियसली जो है बनाया गया है, स्वदेशी आयाम पर बनाया गया, आधार पर बनाया गया। इसकी ओवरऑल लेंथ जो है 263 मीटर और ब्रेथ 63 मीटर, ये सब बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये कैपेबल है कैरी करने के लिए 30 असॉर्टेड एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है, इंक्लूडिंग कॉम्बेट जेट्स एंड हेलीकॉप्टर। तो बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो स्कॉच अवार्ड है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको जो स्थापित किया गया था वो 2006 में किया गया था, गलत है। पहला ही स्टेटमेंट ये 2003 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है कि ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है इस अवार्ड के थ्रू पीपल्स को, प्रोजेक्ट्स को और इंस्टीट्यूशंस को जो आपके क्या करते हैं, दैट गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक इंडिया अ बेटर नेशन, बिल्कुल ठीक बात है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि ये प्रेजेंट किया जाता है स्कॉच ग्रुप के द्वारा जो बेस्ट एफर्ट है आपके डिजिटल, है ना, डिजिटल एस्पेक्ट में, फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन में, ठीक है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसके साथ इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड भी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।